भंडारा जिला शतरंज एसोसिएशन के तत्वाधान में जिला स्तरीय ओपन शतरंज स्पर्धा रामदासी मठ में ली गई है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर भंडारा जिला शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष राधा किशन झनवर थे। प्रमुख अतिथि के रूप में प्रोफेसर मोहन दाड़ी, एडवोकेट विनोद भोले, सोशल वर्कर विलास केजरकर, बजाज मोहन भिवगड़े, सागर साखरे आदि मान्यवर उपस्थित थे। यह प्रतियोगिता कोरोना के कारण 2 साल के बाद ली गई है। इस स्पर्धा में 14 से 19 वर्ष आयु वर्ग और खुले गुट में 50 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। विजेता खिलाड़ियों को रोख रकम, मोमेंटो और आकर्षक सर्टिफिकेट दिया गया। इसमें से 14 खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चयन किया गया है। इन खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भंडारा जिला का नाम रोशन किया। शुभकामनाएं मान्यवरों ने दी है। जिला स्तरीय ओपन शतरंज स्पर्धा के संचालन और आभार मृण्मयी भोले ने किया है। जिला स्तरीय ओपन शतरंज स्पर्धा को सफल करने के लिए आरती भोले, आरती दाड़ी आदि खिलाड़ी और पालकों ने प्रयास किया है। भंडारा जिला स्तरीय बुद्धिबल स्पर्धा या ठिकाणी आज आयोजित होता है आणि या स्पर्धेमध्ये ओपन गट 19 वर्षाखालील आणि 14 वर्षाखालील 17 वर्षाखालील मुलामुली आणि पुरुष व महिला या सर्वजण सहभाग होतात आहे। गेल्या कोरोनामुळे गेल्या 2 वर्षापासून या सर्व स्पर्धा बंद होत्या आणि यावर्षी हिम्मत करून मृण्मयी भोले आणि सागर साखरे यांच्या प्रयत्नातून ही स्पर्धा या ठिकाणी आज होत आहे। या स्पर्धेचं घेण्याचं कारण या स्पर्धेमधून निवड झालेले सिलेक्टेड जे खेळाडू आहेत ते पुढे राज्य स्पर्धेकरता जाणार आहेत आणि जेवढ्या शाळा महाविद्यालय आता बंद असले तरी 50 जवळपास खेळाडूंनी याच्यामध्ये एंट्री केलेली आहे। श्री रामदासी मठ नरकेश्री भाट भंडारा येथे भंडारा जिल्हा बुद्धिबळ असोसिएशनतर्फे जिल्हास्तरीय बुद्धिबळ स्पर्धेचे आयोजन संस्थेचे अध्यक्ष श्री राधाकिशनजी झवर आणि सचिव श्री मोहन दाडी सर यांच्या सहयोगाने झाले। स्पर्धेचे प्रायोजक ॲडव्होकेट विनोद भोले असून स्पर्धेचे आर्बिटर श्री सागर साखरे सर होते। स्पर्धेत मोठ्या प्रमाणात स्पर्धकांनी भाग घेतले। सर्वांना प्रशस्तीपत्र तर विजेत्यांना ट्रॉफी व रोख पुरस्कार देण्यात आले। स्पर्धेचे यशस्वीसाठी सौ आरती दाडी व सौ आरती भोले यांनी सुद्धा सहकार्य केले। त्यामुळे आयोजिका म्हणून मला अत्यंत आनंद होत आहे की कोविड-19 प्रादुर्भावातून दूर होऊन सर्व स्पर्धकांच्या मनात उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं। पुढे भविष्यात होणाऱ्या सर्व स्पर्धांसाठी मी सर्वांना मनापासून यश चिंतिते। धन्यवाद। भंडारा से BCN न्यूज के लिए प्रदीप गाडगे की रिपोर्ट।